Subscribe and press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Being Allrounder. नमस्कार दोस्तों, Being Allrounder में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मयूर। तो आज दो हफ्ते के बाद हम वीडियो कर रहे हैं और वो भी फेस कैम शायद से एक मंथ के बाद। तो चलते हैं आज के नए टॉपिक की ओर। तो हाल ही में लॉन्च हुआ है Vivo V7 Plus हैंडसेट और अब मैं देने वाला हूँ अपने कुछ ओपिनियंस उस हैंडसेट के बारे में, लेकिन कुछ अलग वे से। तो लेट्स स्टार्ट। So, music on. पहली सेल में आपने उसे खरीद लिया और सेल्फी खींच लिया और आप उस सेल्फी को बेस्ट मानते हो, तो शायद आप गलत हो। क्योंकि यार 10-12 हजार का पॉइंटेड शूट कैमरा भी आपको अच्छी सेल्फी खींच के दे देता है, लेकिन हम उस सेल्फी कैमरा को, उस पॉइंटेड शूट कैमरा को बस सेल्फी क्लिक करने के लिए, फोटोज के लिए ही रख लेते हैं। बस 18:9 का स्क्रीन रेशो है और उसके लिए आप 720p डिस्प्ले को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो शायद नहीं, आप गलत हो। बिकॉज यार अगर वाट लग जाए तो माइक्रोमैक्स भी 10,000 के फोन में आपको 18:9 डिस्प्ले और फुल एचडी डिस्प्ले दे ही देता है। और अगर आप दूसरे मोबाइल को देखकर ये सोच रहे हो कि यार मेरा मोबाइल बेस्ट है, तो हाँ तुम गलत हो। बिकॉज हर कोई तो SD 450 हैंडसेट 21,000 में तो नहीं देता। बिकॉज क्योंकि तुम इस हैंडसेट के डिस्प्ले से खुश हो, तो हाँ तुम गलत हो। अरे बिकॉज Xiaomi, Moto, Lenovo भी 10,000 के फोन में आपको फुल एचडी डिस्प्ले दे ही देते हैं। और अगर आप रणवीर दीपिका को देखकर ये हैंडसेट लेने की सोच रहे हो, तो हाँ तुम गलत हो। बिकॉज खुद रणवीर और दीपिका भी ऐसे हैंडसेट तो नहीं यूज करते। अरे बस तुम सिर्फ सेल्फी एडिक्ट हो और सेल्फी तुम्हारा लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, तो हाँ तुम गलत हो। लेकिन हाँ, सेल्फी में फंसने से पहले तुम अगर स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हो और अगर स्मार्टफोन कंपनी भी अच्छे प्रोसेसर अच्छे प्राइस में लॉन्च करते हैं, अगर उसकी बॉडी प्लास्टिक ना होके अच्छी क्वालिटी का मेटल हो, अगर उस कंपनी ने अपने प्रोसेसर नेम के साथ सिर्फ ऑक्टाकोर नाम लिखते हुए जो प्रोसेसर एक्चुअल में है उसका नाम रख दिया, और अगर उस स्मार्टफोन कंपनी में सिर्फ अपना मार्जिन ना देखते हुए अगर कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दिया, तो शायद नहीं यार यही सही है। तो अगर आपको ऐसा हैंडसेट ना मिले और आपको मिले V7 Plus, तो भाई उस हैंडसेट को मार दो, फेंक दो, तोड़ दो, फोड़ दो, पत्थर से खींच डालो या फिर कबाड़ी को बेच दो। और जहाँ मौका मिले उस हैंडसेट को ना लो, ऐसी सिफारिश करो और कहते रहो कि एक ऐसे वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि 21,000 वाला फोन हमें बार बार लेने का मौका नहीं मिलता। सो आज का ये जो अलग सा हटके रिव्यू है वो है शायद तुम गलत हो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। और इसमें आपको सारे पॉइंट्स मैंने समझा दिए है, कैसे V7 Plus में आपको स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर मिलता है, क्या 450, और वो भी प्राइस रेंज 21,000, बहुत गलत है। तो अगर Vivo ने ये हैंडसेट लॉन्च किया होता 12,000 के रेंज में या फिर 13,000, ठीक है चलो 15,000 में अच्छा था 450 के साथ, बिकॉज सेल्फी अच्छी लेती है। बट 21,000 में अगर आपको सेल्फी लेनी है, तो वो लाइन फिर से आप पीछे जाओ और सुनो, 12,000 का पॉइंट एंड शूट कैमरा ले लो, अच्छी सेल्फी निकालो। तो अगर आपको सेल्फी सेंट्रिक ही लेना है, तो आप जा सकते हो Moto G5 S Plus में Xiaomi Redmi A1 के लिए, और उसका कंपैरिजन भी थोड़ी देर में आने वाला है या फिर कल तक वीडियो आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और उस लेवल तक तो नहीं पहुंच गया, लेकिन मैंने थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू Being Allrounder। अगर आपको ये वीडियो और ये स्टाइल अच्छा लगा हो तो हिट लाइक बटन। और आप कह सकते हैं कि Vivo V7 Plus में क्या इनोवेटिव है, बस वो सेल्फी कैमरा छोड़ के, सेल्फी तो हमेशा ही अच्छी रहती है और अच्छा कैमरा रहता है, बट कुछ अलग सा क्या है मूनलाइट के सिवा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू Being Allrounder। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। टिल देन, पीस आउट।